नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन वीडियो के किसी भी पार्ट पे आपको बोर नहीं होने दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और जो है आज हम जो है पानी की मदद से आपको वेल्डिंग करके दिखाएंगे। जी हाँ, पानी की मदद से आपको वेल्डिंग करके दिखाई जाएगी आज। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल का नाम जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि जो दिल ललन टॉप एक्सपेरिमेंट था वो अब था हो चुका है, क्योंकि नया नाम आ गया है, वो है अभिषेक नेगी 01, जो मैंने अपने नाम के बेस पे जो है अपने चैनल का नाम रख दिया है। इसके पीछे एक रीज़न था, बहुत बड़ा रीज़न था, जो दिल ललन टॉप नाम से यूट्यूब पे एक चैनल है, न्यूज़ चैनल, काफ़ी बड़ा न्यूज़ चैनल है, लगभग 14 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसके। तो जब कोई मेरा चैनल का नाम सर्च कर रहा था तो मेरा चैनल का नाम काफ़ी नीचे आ रहा था, काफ़ी स्क्रॉल करना पड़ रहा था, उसके बाद जो है मेरा चैनल दिख रहा था। इस वजह से जो है मेरे को अपने चैनल का नाम ऊपर लाने के लिए यूट्यूब की रैंकिंग में ऊपर लिस्ट हो मेरा चैनल का नाम, तो इसलिए मैंने जो है अपना चैनल का नाम कुछ यूनिक और कुछ अपने नाम के जैसे रखा है। यही रीज़न था जो चैनल का नाम चेंज किया। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पानी से वेल्डिंग करने के लिए हमें थोड़ा पानी चाहिए होगा और एक बर्तन चाहिए होगा जिसपे हम ये पानी स्टोर करेंगे। ये बर्तन जो है कांच का होना चाहिए या फिर प्लास्टिक का हो, तो हमने जो है प्लास्टिक की बोतल काट के ले लिए। तो ये प्लास्टिक की बोतल में पानी भर लेता हूँ, इतना काफ़ी है। हमने प्लास्टिक की बोतल पर पानी भर लिया और इसमें डालना है थोड़ा सा नमक। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नमक, और ये 2 चम्मच हमने नमक डाल दिया, खाने वाला नमक है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, पानी तो तैयार है, अब हमें चाहिए एक वेल्डिंग मशीन। पानी से वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये वेल्डिंग मशीन मैंने बना रही है, घर पे बना रखी है मैंने वेल्डिंग मशीन। और किस तरह से ये काम करती है मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझाता हूँ। आइए यहाँ पे पास आइए। जो ये सॉकेट है इसमें जो होते हैं 3 होल होते हैं, ये होता है फेस का, ये होता है न्यूट्रल का, और ये होता है अर्थ का। अर्थ की हमें ज़रूरत नहीं है, फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत है हमें। तो फेस का तार हम यहाँ घुसेड़ देंगे, और जो है ये फेस जो है यहाँ पे आके यहाँ पे हमने काट रखा है, और यहाँ पे एक कील ठोकी हुई है मैंने, और जो है इस तार को इस कील पे बांध दिया है, और फिर इस तार का जो है आधा टुकड़ा मैंने यहाँ पे अटैच किया, और एक और कील ठोकी है उसके साथ अटैच किया, और फिर आगे आगे लेके गया मैं इस तार को, और जो है ये वेल्डिंग रॉड से जो है मैंने ये तार को कनेक्ट कर लिया, और इस तार को जो है मैंने वेल्डिंग रॉड से कनेक्ट किया। साथ ही मैंने जो है ये लकड़ी का जो है एक फट्टा लिया है जिससे कि मेरे को करंट ना लगे, जो है लकड़ी पे आपको पता ही है करंट आता नहीं है, इसलिए मैंने जो है ये लकड़ी का फट्टा लिया है जिससे मैं वेल्डिंग करूँगा। तो ये वेल्डिंग मशीन हमारी तैयार है, और ये तो हमारा फेस हो गया। हमें चाहिए न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए हमें सिंपली क्या करना है, एक तार लेना है, हमें इसे कहीं भी कट नहीं करना, और इसे दूसरे वाले जो होल है सॉकेट का वहाँ पर इसको घुसेड़ देना है, और जहाँ कहीं भी हमको वेल्डिंग करनी है इस न्यूट्रल तार को हमें उस चीज़ पर लगा देना है, कहीं पे भी हमें हम वेल्डिंग करनी है तो उस पर ऐसे लगा देना है। तो हमें जो है इस पर वेल्डिंग करनी है, तो हम जो है ये न्यूट्रल का तार यहाँ पे लगाएंगे, पर पहले हम क्या करेंगे, जो ये है सबसे मेन पार्ट, तो इसे जो है हम डालेंगे अपने नमक के पानी में। तो हमने नमक के पानी में ये डाल दिया है इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब जो है जो न्यूट्रल है हमारा वो हम जो है कनेक्ट कर देंगे इस पर, हमें इस पर वेल्डिंग करनी है, तो हम इस पर कनेक्ट कर लेंगे। आप ऐसा कुछ भी जो है घर पे ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। और अब हम दोनों जो है हम इन दोनों प्लगों को जोड़ देते हैं। हमने जोड़ दिया, अब हमें सिर्फ सिंपली क्या करना है, इसे ऑन कर देना है और वेल्डिंग शुरू करनी है। हमने ये ऑन कर लिया, अब जो है इस जो ये वेल्डिंग रॉड है इस पर करंट दौड़ने लग गया है, और गलती से भी हमारा हाथ यहाँ ऊपर टच नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही अनसेफ वेल्डिंग मशीन है। और आप इसे यहाँ टच करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं स्पार्क क्रिएट हो रहा है, पास लेकर कैमरा, ये देखिए स्पार्क क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हैं। मेरे को वेल्डिंग करनी आती नहीं है, ये देखिए तो देखा दोस्तों आपने। और मैं आपको एक खास चीज़ बताता हूँ,
जब भी मैं वेल्डिंग रॉड को इस पर टच कर रहा हूँ तो पानी, देखिए पानी का क्या हाल हो रहा है। आप पानी भी दिखाइए इसको, देखिए जैसे मैंने इस पर वेल्डिंग रॉड पर कनेक्ट किया तो पानी जो है उबल रहा है। ये देखिए उबल रहा है पानी, जो है कितना भयंकर उबल रहा है। ओ भाई चल बंद कर, बंद कर, बंद, रुक जा बंद। देखिए दोस्तों ये पानी जो है काफ़ी गर्म हो चुका है, ये उबलने लग गया है, सिर्फ इतनी जल्दी ये उबलने लग गया। और हमने जो है ये देखिए अब मेरे हिसाब से काफ़ी होगा। अब जो है मैं इसे बंद कर देता हूँ और मैंने इसे निकाल दिया है। तो जो है आपने अभी देखा, मैं देखूँ, आपने अभी देखा कि पानी की मदद से हम जो है वेल्डिंग कैसे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको इस बोतल की हालत दिखाता हूँ, ये काफ़ी गर्म बन गया है पानी, बहुत ज़्यादा गर्म, हद से ज़्यादा गर्म। आप देख सकते हैं बोतल की क्या हालत हो चुकी है, क्या पिघल गई है बोतल। इस वेल्डिंग मशीन की सबसे बुरी बात यह है कि आपको कभी भी धोखा दे सकती है। धोखा देने से मेरा मतलब है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक कभी भी लग सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसकी। और ये जो है कांच की बोतल होती तो फूट जाती, इसलिए प्लास्टिक की है। तो जो है ये मेल्ट हुई और अपना शेप इसने चेंज कर लिया, और पानी इतना गर्म हो चुका है कि मेरे हाथ से पकड़ा भी नहीं जा रहा है। ऊपर नीचे तो ठीक है, लेकिन ऊपर यहाँ कलर भी चेंज हो गया इसका, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा येलो सा कलर हो चुका है, और नीचे सही है इसका कलर अलग अलग। तो देखा दोस्तों आपने, हमने जो है पानी की मदद से कैसे वेल्डिंग की। आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरह की मशीन आप बनाएं और इस तरह से वेल्डिंग करें, क्योंकि ये काफ़ी अनसेफ है, जो है बिजली का झटका आपको कभी भी लग सकता है। तो आपको अगर वेल्डिंग करनी हो तो एक अच्छी सी मशीन लेके आइए और उससे वेल्डिंग कीजिए, करना ही है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।